और उसमें जो है कुछ हजारों पड़े की कमा तो उसमें सीन ये है जो मशरूम वाइल्ड में कुछ डोमेस्टिकेट कुछ कुछ को उगाने लग गए हैं, कुछ जंगल में हो रही है और कुछ को हम फैक्ट्री के लेवल पर उगा रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर। तीन तरह की इंडस्ट्रियल लेवल इसलिए आया कि भी डिमांड काफी बढ़ गई और जो कमर्शियल स्केल है वो थोड़ा सा डिलो होता है कि बिजनेस के लिए करना थोड़ा मोटा मॉडल भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो यानी कि जो रोजाना तनों मशरूम पैदा करते हो इंडस्ट्री रूप में लगा में जो आप कल विजिट करके आए तो कमर्शियल यूज करके आए। और इसी तरह जो वाइल्ड में मशरूम होती है यानी कि जंगल से प्रकृति से लेके निकाल के बेचती है, खाई जाती है, सुखाई जाती है उसको, तो इसका वर्ल्ड ओवर जो बिजनेस है तीनों मशरूम का वाइल्ड भी और इसमें ये तो है भी अलग अलग देशों में जो है ना कितना मशरूम का प्रोडक्शन है, जबकि हमारे यहाँ तो फेवरेबल कंडीशन होते हुए भी ना हम मशरूम में आगे नहीं है, दुनिया का 1% भी मशरूम हम पैदा नहीं करते। तो इसको और विस्तार से हम आगे बताएंगे। मेरा केवल ये था कि ये जो एडिबल मशरूम्स हैं जो खाने वाली हैं जगत में उसका $30 बिलियन का बिजनेस है और जो वाइल्ड से प्रकृति से कलेक्ट करते हैं वो केवल 5 बिलियन उसका लगभग 10% और ये मेडिसिनल जो है 16 बिलियन मशरूम्स है जो केवल मेडिसिन पर्पस के काम। जो बॉडी सेल्स मशरूम है कीड़ा जड़ी मशरूम है वो बेसिकली मेडिसिन और वाइल्ड दोनों उसका काम करती है, वाइल्ड से कलेक्ट होती है मेडिसिन पर्पस के लिए, ठीक है। यानी कि वो वाइल्ड इसका बिजनेस जो है 5 बिलियन का ये वाइल्ड मशरूम से है, उसमें एक कीड़ा जड़ी है जिसको हम इंग्लिश में यानी कि कोर्डिसेप्स साइनेंसिस जो है और कोर्डिसेप्स में तो उसकी स्पीशीज काफी सारी है पर ज्यादातर जो कल्टीवेट जिसका लैब लगी हुई है जो बाजार है इसका बिजनेस करते हैं वो कोर्डिसेप्स मिलिटेरिस का करते हैं। प्रकृति में जो वाइल्ड में मिलती है वो कोर्डिसेप्स साइनेंसिस में जो आप 3-4 लाख रुपए किलो से मिलते हैं। बेसिकली ये फफूंद है मशरूम सब जानते ही जानेंगे, ये जो फफूंद है कोर्डिसेप्स ये इसको आजकल बोलते हैं ओपियोकोर्डिसेप्स, ओपियोकोर्डिसेप्स और ये एक कीड़े जब मर जाता है कीड़े को मार देती है फंगस इंफेक्शन हो गया उसको उसको खत्म कर दिया उस कीड़े में से ये फिर जो फंगस फैल के अंदर और जो आगे तिनका सा निकलता है वो उसका फल है, ठीक है ना। बेसिकली कीड़ा जड़ी है कीड़ा जड़ी यानी कीड़े कीड़ा तो आएगा उसको पर जड़ी कीड़ा जड़ी या कीड़ा घास ऐसी इसको यारशा गुंबा कई नामों से जाना जाता है और ये ऊंचाई क्षेत्रों में हमारे यहाँ की बात करें तो भाटुला कुकोलागढ़ हाई हाई रेंज में बर्फ जब पिघलती है और घास हरी होती है जब ये उसमें से निकलती है। तो एक जो कीड़ा है वो बेसिकली क्या है वो उसको वो है एक तितली टाइप का मोथ और उससे आगे जो बढ़ने के लिए साइकिल होती है पतंगा बनने के लिए उड़ने वाली तितली बनने के लिए उससे पहले वो प्यूपा भी होता है उससे पहले लार्वा भी होता है उससे पहले सो एग। तो जो उसका लार्वल स्टेज है और जब प्यूपा फॉर्म में जाता है अंदर वो जमीन में वो कीड़ा जो अंडा नीचे दे देता है धरती में
तो उसके जो है उसके ऊपर ये फंगस जो है ना उसको इन्फेक्ट कर रहे, उसको घायल कर रहे, उसको जैसे बीमारी लगती है ना, इन्फेक्शन हो जाता है उस फंगस का। जब फंगस का इन्फेक्शन हो गया, उसके स्पोर होते हैं फंगस के, वो उसके ऊपर गिर गए तो उस बॉडी पे, और वो फंगस जो है अंदर टूट जाती है। जो हम आम ब्रेड के ऊपर फंगस देखते हैं, काली हरी आटे में आ जाती है, या जैसे गेहूं भी गीला हो जाए बारिश में उसमें भी काला पड़ जाता है, हरा हो जाता है, तो वो उससे पहले वो हरा हुआ है काला, उससे पहले सफेद भी होता है, ठीक है, उससे पहले वो सफेद भी होता है। वो सफेद जो पार्ट है वो है बेसिकली उसका वेजिटेटिव फेज, यानी कि वो माइसीलियम फैल रहा है, फंगस फैल रहा है, और जो उसका हरा हो गया या काला पड़ गया वो उसका पाउडर है, उसका बीज है, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी जो स्पोर्ट्स होते हैं वो जो हरा है वो पाउडर है, यानी वो पीस करो, ऐसे ही इस फंगस पर खाला जो स्पोर्ट होते हैं वो उसको कीड़े को प्रभावित कर देते हैं, इंफेक्ट कर देते हैं। अंदर वो जो पीस जीरा उसके ऊपर वो पीस अंदर स्पोर्ट जो है वो उस कीड़े को इंफेक्ट कर गया, इंफेक्ट किया तो अंदर वो फंगस बनती है, माइसीलियम बनती है, और माइसीलियम उसको क्या करेगा, उस कीड़े को मम्मीफाई कर देगा। मम्मीफाई होता है कि वैसा का वैसा को खत्म कर सुखा दे, ठीक है, बिल्कुल भूल हो जब कोई चीज, हाँ जब वो कोई चीज है उसकी वेजिटेटिव फेज पूरा हो जाता है, यानी कि उसकी जो लाइफ जड़ के रूप में थी वो पूरी हो जाए तो उसका फूड बनता है। मशरूम का भी ऐसे फंगस का होता है कि पहले सफेद होगी, उसके बाद वो काली हरी कुछ ऐसी हो जाएगी, और वो जो ज्यादा से वो दिखेगा पाउडर पाउडर से दिखेगा, तो फ्रूटिंग में जो जाता है तो इस प्रकार के जो तीन केस आए बने ये बनते हैं। ये अब ये इसकी कंडीशंस ऐसी है कि एक तो कीड़े पे उड़ना, दूसरा हाई रेंज पे बर्फ के बाद पिघल, तो वहां से नेचुरली हो रहा है। अब क्योंकि मार्केट में इसका काफी डिमांड बढ़ी, इसमें चीज क्या है, ये बेसिकली इसमें काफी क्वालिटी है, एलोवेरा भी है, टेनिंस भी है, पॉलीसेक्राइड्स भी है, जो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ भी रखती है, जो इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग रखती है, एंटी कैंसर का काम करती है, यानी कि ये जो है शरीर को हस्त पुष्ट स्वस्थ रखने के लिए और उसकी शक्ति बढ़ाने में काम आती है। इसको पशु भी खाते हैं, तो आपने याक देखा है जी, फोटो में देखा हुआ है, तो इतनी ठंड में याक रहता है और वो ताकतवर बहुत होता है, वो भी बेसिकली इसको कहते हैं कि ये मशरूम की ताकत और यही कि एक कीड़े को एक चींटी को हाथी बना देती है, इतनी पावरफुल है, ठीक है। और ये स्टीरॉयड नहीं, जैसे खिलाड़ी अच्छी वो प्राप्त करने के लिए स्टीरॉयड ले लेते हैं ना, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दवाई खा लेते हैं, वो बाद में लोग टेस्ट में पाए जाते हैं, पर ये जो है ये नेचुरल जो है ये शक्तिवर्धक है, इसको गाड़ी पेय पदार्थ के रूप में या वैसे ही टैबलेट्स वगैरह बाजार में उपलब्ध होती है, उसको ले लेते हैं, महंगी है इसलिए आप नहीं लेते। चाइना में इसका काफी मांग, ब्लैक जो है मार्केट जो है इसका चाइना में बहुत ज्यादा, हमारे भी जो ये जो
लोग इकट्ठा करते हैं इस मशरूम को, बर्फ पिघलने के बाद जब मिट्टी निकल जाती है तो एक उस एरिया में लोगों को जाने नहीं देते, उसी क्षेत्र के जो निवासी होते हैं वो उसको एंट्री नहीं करने देंगे, वो खुद ही उसको इकट्ठा करते हैं और वो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और इसका गढ़ जो है चाइना है, वहाँ ये काफी लोग हैं। अब क्योंकि डिमांड बढ़ी तो इसको आर्टिफिशियल वे से ग्रो करने लगे, पर वो सेम स्पीसीज अभी इतनी नहीं पॉपुलर हो पाई है ग्रो करने में। इसकी दूसरी जो प्रजाति है जो मिलिटेरीज है वो यहाँ पे हमारे भी कई नौजवान साथी बहन कर रहे, हमारे यहाँ गरौदा में भी एक उत्पादक है, ऐसी पलवल में एक उत्पादक है, हिसार में है, मेरठ में है, आपने देहरादून वाले दीवा राव का नाम सुना होगा, ऐसे कई सारे हैं जो इसके नाम पे यानी कि बिजनेस कर रहे हैं, किसी किसी रूप में जुड़े हुए हैं, कितना सक्सेस है वो नहीं पता, क्योंकि एज सच ये बिकती नहीं, जो ग्रो करके हम बेचते हैं जो बेच रहे हैं वो 3-4 लाख रुपए किलो भी नहीं, 50-60 हजार रुपए लाख मैक्सिमम बिक जाए तो। बेसिकली इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में दवाई वाली कंपनी में इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा जो है मैक्सिमम इसका जो यूजर एंड यूजर वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं बल्क में जो प्रिंस। अब ये कैसे उगाई जा रही है क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, ज्यादातर आप उसके लोग जीप चीज भी ले आते हैं, हर बैच में हमारे पास आते हैं, उसमें क्या है इसके ये जो फंगस है इसकी, इसको पहले हम लैब में जैसे आम फंगस उगाते हैं बटन की ओयस्टर की भिंडी की ऐसी फंगस को एक मीडिया के ऊपर उगाते हैं, वो पोटेटो गैस्ट्रोज अगर है, मार्ट एक्सट्रैक्ट अगर है, ये मीडियम है, ये मीडियम हम टेस्ट ट्यूब में या पैटी डिशेस में बनाते हैं या पाउडर में बनाते हैं, 20 ग्राम उसमें जो जो पोटेटो डेक्सट्रोज है, 20 ग्राम डेक्सट्रोज है, 20 ग्राम एमईए है, ऐसे दोनों चीज एक लीटर पानी में मिला के वो मीडियम बन जाता है, उस मीडियम के ऊपर जो फंगस है वो कहीं लैबोरेटरी से लेते हैं उसको ग्रो करें, उसके बाद अब उसको आगे मल्टीप्लाई करने के लिए फुटिंग स्टेज में लाने के लिए उसको एक विशेष प्रकार का जैसे मीडिया नीचे है ना ऐसा मीडिया, इसमें ब्राउन राइस है, इसमें एक कीड़े की जो है जो सिल्क वर्म है जिसे शहतूत के जो कीड़े होते हैं उसके जिसे रेशम का कीड़ा बनता है उसके कीड़े होते हैं, वो कीड़े का लार्वी जो है वो मरा हुआ वो उसका पाउडर कर लेते हैं, वो मिला हुआ है कुछ विटामिन मिले हुए हैं वो सब चीजों का मिश्रण है, जो फंगस पहले हमने टेस्ट ट्यूब में उगा रखी है उसको इसके अंदर डाल देते हैं, लगभग महीने भर तक ये पूरा सफेद होता है, उसके बाद ये हल्का सा पिंक कलर में आ जाता है, पिंक हो जाता है, फिर पिंक कलर की इसमें डंडी आती है, लगभग 2-2.5 महीने में ये ग्रो करके आती है ऐसे तीन, और फिर ये पूरा जब देख के ग्रो कर जाते हैं इसको अंदर से काट के पूरा इसको लो टेम्परेचर पे यानी कि 40-45 डिग्री तापमान पे या छाया में सुखा देते, और जो सूखी हुई मशरूम है वो 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे थोड़ी थोड़ी करके बिकती है, कोई 5,000 की बेच रहा है, कोई 2,000 की बेच रहा है, 4,000 की बेच रहा है, एंड जो हाँ बेच रहा है वो अभी कोई शेयर नहीं करता है, पर फिर भी मैक्सिमम इसकी डिमांड फार्मास्यूटिकल कम है। ये मशरूम वाइल्ड मशरूम है, ये गुच्ची है, ये 25-30 हजार रुपए किलो बिकती है, भी जंगल से कलेक्ट करते हैं, ये भी पहाड़ों में बारिश के बाद निकल जाते हैं, इसको सेंटेड मशरूम भी बोलते हैं, ये मशरूम जो है 15-1 हजार रुपए 10-15 हजार रुपए
पहाड़ी लोग बेचते हैं, वो भी जंगल से इकट्ठी करते हैं, ठाकुर के लोग सुखाते हैं, उसके बाद ये दिल्ली के मार्केट में पहुंचे पहुंचे 25-30 हजार रुपए की हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं भुज्जी या मोरचेला में बोरेल्स। ये हमारे हिमाचल प्रदेश में जेएनयू में नेचुरली पाई जाते हैं। इसी तरह ये जो मशरूम है फेलोराइना और कोडेक्स, तो ये मशरूम है, ये हमारे राजस्थान का हीरा है। ये राजस्थान में जो है बारिश के बाद टिब्बों में घाटी के पेड़ के नीचे पेड़ों के नीचे या वैसे टिब्बों में निकलता है। ये बारिश के बाद बिकती है यहाँ पे, ताजा को मंडी तक पहुंचती है 100-150 रुपए किलो तक वाइल्ड। ये जो है ये चाइना का ये बिजनेस है और ये जो है ये हमारे यहाँ की है। ये और दूसरी मशरूम ये उगाते हैं, ऐसी कई सारी ये जंगली मशरूम जो जहरीली है, नहीं खानी चाहिए। सुंदर बहुत होती है पर ये अंदर की जहरीली होती है, जहरीली हो। तो ये जो है आपको ये कीड़ा जो दिखा रहा है इस प्रकार, ये देखिए वाइट इकट्ठी करी हुई है और ये लैब में निकाल के बोतल से निकाल रखा है। इस प्रकार से इसकी रोज ये मेडिसिन मशरूम क्या है उसके बारे में जब मैं बात कर रहा था, वो ये अलग अलग ये तो रिसेप्ट नहीं, ऐसे ही सीट आके मशरूम है, ये नेचुरल में भी होती है और इसको वैसे भी ग्रो करते हैं, लकड़ी के ऊपर आदमी होती है। हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये भी 1,015 रुपए किलो से लेके 2,250 रुपए किलो बिकती है। 18-24 डिग्री ताप पे जाती है, ये हम भी यहाँ से सप्लाई करते हैं इसको उगाने के लिए मटेरियल दे। हाँ जी, इसी तरह ये देखिए अलग अलग ये देसी मशरूम है जेनोड्रमा का, इसमें बात करिए कैसे लगाई जाती है। ये भी 1,500-2,000 रुपए किलो सूखी बिकती है, इसे केवल दवाई बनती है, आदमी को ऐसा रोग नहीं जिसको ठीक नहीं करता है। ये जागा मशरूम है, ये भी वाइल्ड में होती है। ये कॉर्डिसेप्स की बात करें, लॉयंस में जो अभी दिखा रहा है कल्टीवेट करते हैं, सीता के कुछ भी कल्टीवेट करते हैं, पर ये नेचर में सब ये मेटा के जापान में इन मशरूम्स को बेसिकली मेटा के सीता के जो है, ये जो नाम भी चाइनीज है जापानीज है, ये वहाँ पे इतनी मशरूम्स की कल्टीवेशन करते हैं। ये बहुत धूमधारी खाने में टेस्टी है और औषधीय गुण से ज्यादा है। अब ये कोर्डिसेप्स की मैं जो बात कर रहा था, ये जो ये कीड़ा जो तितली वाला है मोस जिसको बोलते हैं, ये एग दे देता है, एग से इसका जो लार्वी बनते हैं, ये लार्वी जो बनते हैं इसको इसका जो एस्कोस्पोर्स इस फंगस के यानी कि फंगस का जो बीज है वो इन्फेक्ट कर देता है। जब इन्फेक्ट कर देता है तो ये इसमें से इस प्रकार का ये बन जाती है यानी कि इसकी लाइफ साइकिल इसकी लेके है। और ये इतने सारे स्पीसी 16 स्पीसी लेके कोडिसेप्स की, इसको बोलते ओपियो कोडिसेप्स बोलते हैं। तो 16 इसकी स्पीसीज हैं, देखिए ओपियो कोडिसेप्स साइनेंसी बेसिकली मेन है। तो ये अनेकों इसमें 21 डिग्री टेंपरेचर के आसपास ये उठती है, 3,000 से 5,000 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर ये नेचुरली हो। ये जो है इसके सारे इतने सारे गुण हैं यानी कि मशरूम को जो यूज करते हैं, ये वो सेक्सुअल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, ऐसे ही एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल सब यानी कि जितने भी आदमी को प्रभावित कर सकते हैं जो भी तत्व है उनके एंटी काम करते हैं, एंटी कैंसर, एंटी मलेरिया,
इंसेक्टिसाइड इफेक्ट हो, ये सब चीजें मशरूम के में पाए जाते हैं, इस वजह से ये मशरूम है। ये पूरा इसका पार्ट बता रखा है कैसे इसका जो है ये मशरूम निकल जाती है, और ये उसी वजह से कॉर्डिसेप्स मिलिटेरी, ये कॉर्डिसेप्स मिलिटेरी है जो, तो ये कॉर्डिसेप्स ग्रीनसीज है, ये उगाई जाती है, ये उगाई जाती है, ये हमारे एक जो घरौंदा मीडियम में क्या है उसका है ये, इसकी स्टेज देखिए, जो मैं बता रहा था आपको पहला स्टेज क्या है, ये मीडियम के ऊपर ये मिल जाता है, इसको आप किसी भी लेबोरेटरी से खरीद सकते हो, हमारे से मिल सकता है, सोलन से मिल सकता है, दिल्ली से मिल सकता है, इसकी जो है ना फिर लेबोरेटरी में लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इसकी गोलियां बनाई जाती है, एक शेकर में रख देते हैं, वो उसको हिलाते रहते लगभग 20 दिन के आसपास जो है ना, ये 24-25 डिग्री तापमान पे इस तरह की गोलियां बन जाती है, इन गोलियों को सॉलिड मीडियम के ऊपर इनोकुलेट कर देते हैं, ये सब वहां काम होता है जहां पे कोई कीटाणु हवा में ना हो, जैसे जिसके पास स्पान लेबोरेटरी है, स्पान का समझ आ गया होगा ना, तो जिसके पास स्पान लेबोरेटरी है वो इस काम को आराम से कर सकते, वो सब फैसिलिटी चाहिए, ऑटोक्लेव चाहिए, जनरेटर चाहिए और हाइजीनिक कंडीशन चाहिए, वहां के ऊपर ये शेकर पे किया, उसके बाद इसको दोबारा 120 डिग्री तापमान पे रख दिया, तो ये जो मशरूम है ये फिर लगभग इनोकुलेशन के लगभग महीने बाद इस प्रकार की ये पिंक कलर की ग्रो कर जाती है, पूरी ग्रो करके उसको निकाल के सुखा देते हैं, पूरी साइकिल ये लगभग 3 महीने की पूरी साइकिल है, ये मशरूम ड्राई फॉर्म में भी, वैसे इसकी कोई सब्जी नहीं बनती, वैसे इसी खाने में भी बदबू आती है, और ये पानी में डाल के चाय पी लिया वैसे जो ना पाउडर बना के इस प्रकार का ये बेसिकली